फ्रेंड्स, आज मैं जीरोधा के कुछ ऐसे नए फीचर्स आपके सामने लेके आया हूँ जो कि जीरोधा ने अभी अभी लॉन्च किए हैं, और ये आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एक न्यू लेवल पर ले जाएगा। आपको बिल्कुल प्रो की तरह आप ट्रेडिंग करने लगेंगे। एकदम नए फीचर्स जीरोधा में आए। पहले भी जीरोधा का जो GTT ऑर्डर वाला फीचर था काफ़ी पॉपुलर है, उसमें आप स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह लगा सकते हैं एक साथ। तो अभी फिर से जीरोधा ने कुछ नए फीचर अभी दिए हैं, एक एक करके मैं सारे फीचर बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं स्मार्ट मंत्रा। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो, रीड दिस डिस्क्लेमर। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे वीडियो से सीख सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग बेसिक टू एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं वो हमारा दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा जो लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में डीमैट टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब हम पहले जीरोधा में चार्ट्स देखते थे तो वो चार्ट IQ 7 पे हम देखते थे, अभी क्या है चार्ट IQ 8 आ गया है, और इसके भी कुछ फीचर्स हैं तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं। एक तो पहला इंपॉर्टेंट तो इन्होंने क्या बताया कि चार्ट IQ इज करेंटली अवेलेबल ओनली ऑन काइट वेब। तो केवल काइट वेब पर अभी अवेलेबल है, काइट ऐप पर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सून ये अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि चार्ट IQ जो 8 की सेटिंग है वो कैसे करनी है आपको। आपको करना क्या है, क्लिक ऑन माय प्रोफाइल सेटिंग और फिर वहां से चार्ट IQ 8 पर क्लिक कर देना। एक बार मैं आपको यहाँ डेमो भी दिखा देता हूँ, देखिए किस तरीके से डेमो आ रहा है, एक बार देख लीजिए। आपको यहाँ अपने माई प्रोफाइल सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आते थे, उसमें चार्ट IQ 8 को आपको सेलेक्ट कर देना है। चार्ट IQ 8 को आपको सेलेक्ट कर देना है तो आपको वो सारे फीचर मिल जाएंगे जो कि नए अपडेटेड फीचर हैं। पहले चार्ट IQ 7 और ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन आता था, अभी यहाँ पर IQ 8 का ऑप्शन भी आ रहा है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये तो हमने बता दिया कि सेटिंग कैसे ऑन करनी है। सबसे पहली बात देखिए, पहले अभी किसी चार्ट पर, इस चार्ट पर जो अभी तक के चार्ट थे उस पर कस्टम टाइम फ्रेम का ऑप्शन नहीं आता था। मतलब क्या था, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स यही ऑप्शन आते थे। लेकिन अब अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप वहाँ पर टाइम फ्रेम को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आप टाइम फ्रेम को कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से आप टाइम फ्रेम को कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर टाइम फ्रेम के पास में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे टाइम फ्रेम तो दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में एक कस्टम टाइम फ्रेम का ऑप्शन भी आएगा, और उस कस्टम टाइम फ्रेम के ऑप्शन में आप कोई भी इंटरवल डाल सकते हैं। जरा अभी तक 5 मिनट का चार्ट अवेलेबल था, लेकिन अगर आपको 6 मिनट या 7 मिनट का चार्ट देखना तो वो अवेलेबल नहीं था। तो आप वहाँ पर उस कस्टम टाइम फ्रेम में जाकर अपना कोई भी मिनट डाल सकते हैं, उसका चार्ट आपको मिल जाएगा। तो पहला फीचर हो गया कस्टम टाइम फ्रेम, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसे देख सकते हैं। दूसरा फीचर देखिए, इन्होंने कुछ शॉर्ट कीज जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। इन्होंने इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्होंने कीज इंट्रोड्यूस कर दी हैं। वो कैसे देखना है, आपको फिर से चार्ट की सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाकर यहाँ पर शॉर्ट की हॉट कीज का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ जाकर आप क्लिक करेंगे तो देखो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे बाइंग सेलिंग बहुत सारे इन्होंने फीचर्स इसमें डाल दिए हैं, उसको एक बार अगर आप क्लिक करके देखें, काफ़ी शॉर्टकट कीज हैं। आप एक क्लिक में एक की दबाने से ही आपका आपको जो आपके डिजायर्ड चीज़ है वो मिल जाएंगी। जैसे बाय और सेल के लिए अगर आप देखेंगे इसमें, तो बाय और सेल के लिए बी और एस है, अगर आप बी और एस को प्रेस करेंगे तो बाय हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो ये इन्होंने इस तरह कुछ इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट कीज भी इंट्रोड्यूस कर दी हैं। आइए और भी फीचर देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है चार्ट डेटा टू एक्सेल। चार्ट में जो डेटा दिखाई दे रहा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो CSV फॉर्मेट में। कैसे कर सकते हो, देखिए आपने जो भी टाइम फ्रेम है सेलेक्ट कर रखा है, मान लीजिए आपने 25 मिनट अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको 25 मिनट का पूरा डाटा दिखा देगा। कैसे दिखाएगा, यहाँ पर टेबल व्यू देखिए लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही आप टेबल व्यू दबाएंगे ये लिखा हुआ आ रहा है, और वहाँ से आपको पूरा डाटा यहाँ पर दिख जाएगा, पूरा टेबल आपके सामने बन के आ जाएगी। जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ उसका ओपन हाई लो सब कुछ आपको उस टाइम फ्रेम का यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये एक इनका अच्छा फीचर है कि उससे डाटा को सीधे आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक्सेल में डेटा को एनालाइज करते हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आइए और भी फीचर देख लेते हैं। इसके अलावा एक और जो यूनिक फीचर आया हुआ है कि आप चार्ट को बैक टेस्ट कर सकते हैं, इसको स्ट्रिक के थ्रू आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक एक्चुअली क्या है, स्ट्रिक अलाउज यू टू क्रिएट एंड बैक टेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विदाउट एनी कोडिंग। स्ट्रिक इज नाउ इंटीग्रेटेड विद काइट चार्ट्स। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आपको पहले स्ट्रिक के आइकन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ये स्ट्रिक में आपको ले जाएगा, वहाँ आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आपको ये बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दे देगा। तो ये भी इनका काफ़ी यूनिक फीचर है। अब आइए और भी फीचर देख लेते हैं। देखिए इन्होंने कुछ नए ड्राइंग टूल्स भी इसमें दे दिए हैं, न्यू ड्राइंग टूल्स सच एज
इलियट वेव मैग्नेट वॉल्यूम प्रोफाइल बाय डाटा रेंज आर नाउ अवेलेबल। पहले ये अवेलेबल नहीं थे, ये अब सभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा क्या है, टूल टिप इन्होंने दे दिया है। जैसे ही आप किसी कैंडल पर जाएंगे, देखिए सारा डाटा आपको उस कैंडल का दिखा देगा। देखिए जैसे आप टूल टिप प्रेस करेंगे, सारा डाटा आपको दिखा देगा। देखिए यहाँ से आपको प्रेस करना होगा और जिस भी कैंडल पर आप ले जाएंगे उसमें आपको सारा डाटा ये दिखा देगा। तो इस तरीके से आ गया। इसके अलावा क्या है, पिन फेवरेट टूल। आपका जो फेवरेट ड्राइंग टूल है उसको आप पिन भी कर सकते हैं, उसको फेवरेट में डाल सकते हैं, तो उससे आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फुल स्क्रीन का एक फीचर आ गया है, चार्ट्स कैन नाउ बी व्यूड इन फुल स्क्रीन फॉर ए लार्जर व्यू। ये पहले भी आता था, आपको अलग से खोलना पड़ता था, अब यहीं पर आप जाकर इसको फुल स्क्रीन मोड पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए और क्या फीचर्स हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाकर आप इसको फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा न्यू इंडिकेटर, कुछ इन्होंने न्यू इंडिकेटर्स भी डाल दिए। कौन कौन से न्यू इंडिकेटर डाल दिए, सच एज प्रोजेक्टेड एग्रीगेट वॉल्यूम, प्रोजेक्टेड वॉल्यूम एट टाइम्स, वॉलेटिलिटी प्रोजेक्शन कोन, मूविंग एवरेज क्रॉस, मल्टीपल मूविंग एवरेज, एनहेंस एंकर्ड वी वेब आर नाउ अवेलेबल। तो बहुत सारे इन्होंने नए इंडिकेटर्स डाल दिए हैं। इसके अलावा क्या है, कंटिन्यूस चार्ट डाटा इज नाउ अवेलेबल फॉर करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये भी अब इस पर अवेलेबल। तो बहुत सारे इन्होंने चीज़ें डाल दी, ये आपकी ट्रेडिंग को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, प्रो की तरह एक ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेड फीचर्स एक तरह से कह सकते हैं वो इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो आप एक एक करके जाकर ये पूरा वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ आप जाकर वेबसाइट पर जाकर एक एक चीज़ समझ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो ये कुछ नए फीचर्स थे जो कि जीरोधा ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए और भी बहुत सारे अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। अगर इस तरह कोई वीडियो आता है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। जय हिंद फ्रेंड्स।